हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5th, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अरिथमेटिक का मीन, यानी कि जो आप मैथ्स पढ़ते हो अरिथमेटिक, जिसके अंदर नंबर सिस्टम का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ नंबर है, जैसे कि होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, या इवन नंबर है, ओड नंबर है, वो एक नंबर की सीरीज रहती है उसके अंदर। और प्रोग्रेशन का मतलब है एक नंबर के अंदर उस नंबर सीरीज का लगातार प्रोग्रेस होना, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे वो घटते क्रम में हो। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर नेचुरल नंबर लिए, ये एक एपी में है। उसके बाद में हमने इवन नंबर लिए, ये भी एक एपी है। ओड नंबर लिए, ये भी एक एपी है। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आपके एपी के अंदर है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीरीज है वो लगातार बढ़ रही है एक सेम इंटरवल से। अब ये जो सीरीज मैंने आपको बताई कि ये एपी में है, आप कैसे चेक करोगे कि ये सीरीज एपी में है? चेक करने के लिए मैं यहां पर अलग से एक सीरीज लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखी 5, 10, 15 और लास्ट में ये सीरीज सपोज दैट खत्म होती है 70 पे। इसको चेक कैसे करना है कि ये सीरीज है, जो नंबर की सीरीज है, वो एपी में है या नहीं है? देखिए, चेक करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं। सबसे पहले ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद, फर्स्ट टर्म। इसको हम स्मॉल लेटर है ए से डिनोट करते हैं। ये जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसको हम डिनोट करते हैं, ए एन से भी डिनोट करते हैं और एक एल जो लेटर है उससे भी डिनोट करते हैं। ए है, इसको हम ए वन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, पहला पद है ए वन सीरीज का, पहला ए टू, ए थ्री, इस तरह से जो लास्ट टर्म है वो क्या हमारी क्या कहलाएगी, ए एन। ए एन यानी कि ये है nth टर्म। nth टर्म एक सीरीज के अंदर काफी सारी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टर्म है वो हो सकती है, जिसको हमने डिनोट किया है n से। और ए एन का मतलब है nth टर्म, यानी कि इसके अंत वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म, लास्ट टर्म। एक चीज और होती है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं डी। डी की फुल फॉर्म है कॉमन डिफरेंस, बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि डिफरेंस। डी से सीधा आपको पता लगता है डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका, कॉमन होना चाहिए। कॉमन मीन्स पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस कितना है, 5। दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का डिफरेंस कितना है, 5। इसी तरह अगर सभी टर्म के अंदर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस कॉमन हो, डिफरेंस 5 हो, या कोई भी पर्टिकुलर एक डिफरेंस चलता रहे, तो वो सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, वो सीरीज कहलाएगी हमारी एपी। चलिए अब एपी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि आपके 5.1 एक्सरसाइज के अंदर है। मैं यहां पर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करूंगा 5th, और कंप्लीट एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैं यहां पर करवाऊंगा विद एग्जांपल एंड कुछ जो क्वेश्चंस जो हमने बनाए हुए हैं, या आपकी जो रिलेटेड बुक्स है उसके अंदर भी काफी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग अलग टाइप्स के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 5.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि ये जो नीचे दी गई टर्म है, इसकी जब सीरीज बनेगी वो एपी में है या नहीं। क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया है हर किलोमीटर का क्या है, बढ़ता रहता है, और ये पहला किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए लेता है और 8 रुपए नेक्स्ट बढ़ने वाले पर किलोमीटर पर वो चार्ज करता है ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहला जो किलोमीटर अगर चलेगा फर्स्ट किलोमीटर पर, वो 15 रुपए चार्ज लेगा। अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो प्लस में वो 8 और ऐड कर देगा, यानी कि वो किराया 23 रुपए हो जाएगा। जब आप 3 किलोमीटर चलोगे, यानी कि 3rd किलोमीटर चलोगे, फिर वो 8 और लेगा, यानी कि वो किराया 31 रुपए हो जाएगा। अगर फिर आप 4th किलोमीटर तक ट्रेवल करोगे तो प्लस 8 और हो जाएगा, यानी कि ये 39 रुपीज लेगा। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या ये एपी में है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर ये फर्स्ट, ए टू, ए थ्री और ए फोर, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो डी है,
वो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि दिस इज एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कुछ हवा मौजूद है और एक वैक्यूम पंप जैसे ही उसको दबाते हैं तो जो सिलेंडर के अंदर हवा होती है उसका 1/4 है वो 1 time के अंदर निकाल देता है। पूछा हुआ है कि अगर जब तक सिलेंडर खाली नहीं हो जाता तब तक जितनी हवा उसके अंदर बचती है क्या वो सीरीज बनेगी, वो एपी के अंदर है या नहीं है। सपोज दैट जो हवा है वो है 100 cm³, सपोज दैट सिलेंडर के अंदर हवा इतनी है, स्टार्टिंग के अंदर सिलेंडर के अंदर हवा कितनी थी, 100 थी। अब क्या किया, 1/4 उसके अंदर निकाल दिया, यानी कि 100 का 1/4 है वो कितना होता है आपका 25 इसमें से जब निकल जाता है तो आपका कितना बच जाता है, 75। नेक्स्ट फिर 75 है, 75 का फिर 1/4 है वो निकल जाता है तो क्या बचता है, 18.75, यानी कि इसमें से आप -18.75 करोगे तो कुछ समथिंग आएगा। सबसे पहले यहां पर आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म से ही पता लग रहा है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1, A2 और A3, यानी कि A2 और A1 के बीच में जो D1 है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 25 आ रहा है। A2 और A3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 18.75 आ रहा है। क्या ये दोनों है वो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस तो है लेकिन क्या वो कॉमन है, वो कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो वो सीरीज आपकी एपी के अंदर नहीं है, दैट्स पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदने की जो कॉस्ट है हर मीटर पर चेंज होती है। कहा जा रहा है कि जब आप 1 meter की गहराई तक जब कुआं खुदवाते हो तो पहले मीटर का कितना लगता है, 150 rupees, और ये कह रहा है पर एडिशनल, पर सबसिक्वेंट मीटर पर आप अगर एडिशनल खुदवाना चाहते हो तो हर मीटर पर 50 rupees इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट मीटर खुदवाओगे तो 150 rupees और अगर सेकंड खुदवाओगे तो इसके अंदर 50 rupees बढ़ जाएंगे, यानी कि 200 rupees सेकंड मीटर पे। इसके बाद में अगर आप आगे खुदवाओगे तो फिर 50 rupees एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 meter के लिए वो 250 rupees चार्ज करेगा। अब यहां पर चेक कीजिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 और A1 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 50। A2 और A3 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50। यानी कि हर सबसिक्वेंट मीटर पर डिग जो वेल है वो डिगिंग करने का जो खर्चा है वो क्या आ रहा है, 50 rupees बढ़ रहा है। यानी कि यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और वो 50 rupees आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज बनेगी वो आपकी एपी के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, एक अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट है, एवरी ईयर बढ़ रहा है, अमाउंट सबमिट करवाया था 10,000 rupees और वो अमाउंट जो सबमिट करवाया हुआ था वो करवाया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस चक्रवर्धी ब्याज। चक्रवर्धी ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर फर्क क्या है, साधारण ब्याज कभी भी बढ़ करके नहीं लगेगा, कहने का मतलब एक ही रेट से चलेगा और एक ही जितना अमाउंट है वो हर महीने या हर ईयर है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवर्ती ब्याज है, जो किस्त होगी जिस हिसाब से रेट होगा उस हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये कभी भी एपी के अंदर नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको कहीं भी पूछा जाए तो वो सीरीज एपी के अंदर नहीं बनेगी। आइए समझते हैं कैसे। 10,000 rupees किसी बंदे ने एक बैंक के अंदर जमा करवाए, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट था। तो आइए निकालते हैं कि 10,000 rupees का 8% का 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा। 10,000 rupees का 1 साल का 8% की दर से, परसेंट के लिए नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो 1 साल का साधारण ब्याज और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो फाइनल अमाउंट हमारी क्या बन जाएगी, 10,000
₹800, यानी कि यहां पर कितना बढ़ा, ₹800 बढ़ गया। ये आपका सेकेंड ईयर का है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो 10,800 पर फिर क्या होगा नेक्स्ट ईयर का, यानी कि नेक्स्ट ईयर का एक और ब्याज लगाएंगे 8% की रेट से, तो वो कितना बनेगा, ₹164 आया। 800 पहले का था और 164 और हो गए, यानी कि अगले साल का ये कितना हो गया, ₹964, यानी कि इसके अंदर कितना ऐड हो जाएगा, ₹964 और हो जाएगा थर्ड ईयर के ब्याज की अगर हम बात करें तो। ये हो जाएगा 4, 6, 9, 8, 17, यानी कि ये ₹11,764 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपकी सीरीज A1, A2 और A3 के अंदर है। A2 में से A1 जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो आपका ₹800 हुआ। A3 माइनस A2, फिर D जो है वो आपका कितना हुआ, ₹964। क्या D1 और D2 है वो बराबर है, वो बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यानी कि ये जो सीरीज है वो आपकी AP के अंदर नहीं है। यदि अगर यहाँ पर कंपाउंड की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता तो जो आपका ब्याज है सेम रेट से चलता, ये क्या होता ₹800 होता यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता ₹11,600, ये हो जाता, वो हर साल ₹800 बढ़ता जाता, वो हमारा D1 और D2 और D3 ये क्या होते हमारे इक्विवेलेंट होते, इक्वल होते, और ये सीरीज है वो आपकी AP के अंदर होती। यहां पर आपको समझ आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज और सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज के अंदर कितना फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, AP की पहली 4 टर्म लिखिए व्हेन द फर्स्ट टर्म A आपको दी हुई हो और एक कॉमन डिफरेंस D आपको दिया हुआ हो। यहां पर इसके 5 पार्ट है। A आपको फर्स्ट पार्ट देखिए, A इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 और D इज इक्वल टू भी आपको दिया हुआ है 10। तो जब आपको A और D दिए हुए हो तो आपको AP कैसे बनानी है, आइए वो समझते हैं। A 10 दिया हुआ हो या A1 10 दिया हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, A1 इज इक्वल टू अपने पास 10 है। अब निकालना है आपको A2, A2 अगर निकालना हो आपको तो A1 इज इक्वल टू, या एक काम कीजिए आप, A1 प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 होगा। मैंने आपको बताया था D निकालने के लिए, तो D के लिए क्या था, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D, यानी कि जो अगली टर्म है उसमें से पिछली टर्म अगर आप माइनस में करोगे तो आपका D निकल के बाहर आएगा, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो इसी तरह D का फॉर्मूला क्या है आपका, कि अब देखिए D का फॉर्मूला क्या करोगे, यहां पर ये जो D है वो A2 माइनस A1, अगर आपको A2 निकालना है तो A1 इस साइड ले आइए, A1 प्लस D इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A2, ये फॉर्मूला यहां पर यूज कीजिए। A2 के साथ अब D, A1 के साथ D कर दिए, 10 और 10, 20। इसी तरह अगर आप A3 निकालना चाहते हैं तो A3 के अंदर क्या होगा, A2 प्लस D यूज करिए आप, A2 प्लस D इज इक्वल टू A3, क्लियर है। या एक काम कीजिए, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A3, क्लियर है, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A3। ये जो है वो फॉर्मूला आया कहां से, वो हम नेक्स्ट के पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आपका कैसे बना। फिलहाल आप इसके तरफ गौर करिए, A3 फिर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, फिर A4 निकालोगे तो आपका 30 प्लस 10, 40 आएगा। तो इस तरह से ये AP बन गई, जिसके 4 टर्म हमने यहाँ पर निकाल दी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने को दिया हुआ है A इज इक्वल टू माइनस K2 और D इज इक्वल टू D। यहां पर कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। यहां पर गौर कीजिए, कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, A1 आपके पास -2 दे रखा है, तो A2 क्या होगा, A1 प्लस D इज इक्वल टू A2।
पुट करके देखिए ए वन क्या है माइनस टू, इसके अंदर अगर आप जीरो करोगे तो क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा, यानी कि आपका ए टू भी क्या हुआ माइनस टू। इसी तरह आप ए थ्री निकालिए, ए थ्री आपका ए टू प्लस डी हो जाएगा, ए टू आपके पास फिर माइनस टू है, डी आपके पास जीरो है, यानी कि फिर माइनस टू हो जाएगा, ए थ्री भी आपका माइनस टू और इसी तरह ए फोर भी आपका माइनस टू रहेगा। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, टॉपिक वाइज करने हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज करने हैं, और स्टेप के साथ साथ आपको लिखना है, क्वेश्चन को लेंथी बनाना है मैक्सिमम नंबर लेने के लिए। तो यहां पर ये चारों टर्म है वो माइनस टू माइनस टू माइनस टू और माइनस टू ही रहेगी। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू है आपका फोर और डी इज इक्वल टू है माइनस का थ्री। ए वन आपको फोर दे रखा है, आपको ए टू निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर आपको ए टू निकालना है तो ए वन के अंदर आप डी जोड़ दीजिए, ए वन आपका क्या है फोर प्लस डी आपका क्या है माइनस का थ्री, यानी कि फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, ए टू आपका आ गया वन। इसी तरह अगर आपको ए थ्री लेना है तो फिर आप ए टू के अंदर डी जोड़ दीजिए, सभी में डी जुड़ा रहेगा, ए टू प्लस डी इज इक्वल टू आपका क्या आया ए थ्री। अब ए थ्री के लिए ए टू आपके पास वन है और डी आपके पास माइनस का थ्री है, वन माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का टू, यानी कि ए थ्री आपका हो गया माइनस का टू। इसी तरह अब आपको ए फोर निकालना है, फिर आपको डी जोड़ना पड़ेगा ए थ्री के अंदर, निकालिए ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री प्लस डी, ए थ्री आपका क्या है माइनस का टू है प्लस डी क्या है आपका माइनस का थ्री है। अब माइनस माइनस के दोनों है तो वो जुड़ के क्या हो जाएंगे माइनस का फाइव, ये आपके ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर है वो निकल के बाहर आ गए। तो ये थी आपकी सीरीज, चार टर्म आपको पूछे थे, आपने निकाल दिए ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर। नेक्स्ट पार्ट है आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू माइनस का वन और डी इज इक्वल टू हाफ दे रखा है। तो आपको ए वन है वो माइनस का वन है, ए टू आपको निकालना है, ए टू इज इक्वल टू क्या रहेगा ए वन प्लस डी। चेक कीजिए ए वन आपका क्या है माइनस का वन और डी आपका क्या है हाफ। अब माइनस का वन है और ये हाफ है तो आपका क्या आएगा, यहां पर चेक कीजिए, यहां पर आएगा आपका माइनस का हाफ, यानी कि ए टू आपका क्या आएगा माइनस का हाफ। अब निकालिए आप ए थ्री, ए थ्री निकालोगे तो आपका ए टू प्लस डी, ए टू आपका माइनस का हाफ है और डी आपका प्लस का हाफ है, कट के क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे, यानी कि ए थ्री आपका जीरो। इसी तरह अगर ए फोर निकालोगे आप तो आपका क्या रह जाएगा ए थ्री प्लस डी, ए थ्री आपके पास जीरो है और डी आपके पास क्या है हाफ, तो आपका हाफ ही रह जाएगा, यानी कि ए फोर आपका हो गया हाफ। ये चार टर्म उस एपी की एक सीरीज बन गई, चार टर्म आपको पूछी थी, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ए इज इक्वल टू माइनस का 1.25 दे रखा है और डी इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 0.25। आपको सीरीज बनानी है ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर। सबसे पहले ए वन आपको दिया हुआ है माइनस का 1.25, ए टू आपको निकालना है, मैंने आपको बताया था ए वन प्लस डी इज इक्वल टू ए टू, ए वन आपके पास क्या है माइनस का 1.25 प्लस डी आपको दे रखा है माइनस का 0.25। जब इसको आप सोल्व करोगे माइनस का 1.25 प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे 0.25, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, निशान आपका माइनस का ही रहेगा। 1.25 और 0.25 क्या होता है 1.50, यानी कि A2 आपका माइनस का 1.50। इसी तरह आपको A3 निकालना है, A3 इज इक्वल टू क्या होगा A2 प्लस D, A2 आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 1.50 प्लस
डी आपको क्या दिया हुआ है इधर माइनस का 0.25, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 1.50 प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएंगे 0.25। क्लियर है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का निशान रह जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 1.75, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1.75। इसी तरह आप A4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.0। ये आपकी टोटल सीरीज आ गई A1 A2 A3 और A4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज, यहां पर कुछ एपीज दी हुई है उनकी फर्स्ट टर्म यानी कि आपको ए बतानी है और कॉमन डिफरेंस यहां पर डी बताना है। पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको एपी के पद निकालने थे, ए और डी दिया हुआ था, यहां पर आपको ए और डी पूछा हुआ है और एक एपी दी हुई है, एपी की चार टर्म दी हुई है, कैसे निकालोगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए जो है वो आपका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म होता है, तो सभी का ए तो आपने फाइंड कर लिया। अब डी निकालने का तरीका मैं बता देता हूं, डी इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है। ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, डी के बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, ये जो टर्म है इसमें से ये टर्म माइनस कीजिए, या तीसरी में से दूसरी या दूसरी में से पहली, ये आप माइनस करते चले जाइए वो आपका डी निकल के आ जाएगा, यानी कि पहली टर्म से दूसरी टर्म कितनी ज्यादा है, पहली टर्म से दूसरी टर्म कितनी ज्यादा है वो डिफाइन करता है कि आपका डी क्या है या डी की वैल्यू क्या है। चेक करते हैं, फर्स्ट आपको दिया हुआ है ए है वो आपका आ गया 3, आपने नोटिफाई कर लिया। उसके बाद में डी की बात आती है, तो डी के अंदर कोई भी उठा करके देख लीजिए, सपोज दैट हम ये चीज उठाते हैं, ये आपका A3 दिया हुआ है, ये आपका A4 दिया हुआ है, तो A4 में से A3 निकालते हैं। देखिए A4 माइनस A3 इज इक्वल टू आपको पता है D निकल के बाहर आएगा। A4 आपको क्या दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है, उसमें से आप माइनस करोगे क्या माइनस का 1 करके देखिए, चेक कीजिए, माइनस के 3 को आप एज इट इज लिखोगे, माइनस का अंदर है माइनस का ही बाहर है, यानी कि जब ब्रैकेट हटेगी तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। आप चेक कीजिए माइनस का 3 है प्लस का 1 है, यानी कि माइनस का बड़ा है, निशान भी माइनस का आएगा और होगा भी माइनस, जब माइनस बड़ा है तो निशान भी माइनस का होगा और 3 में से 1 गए 2, ये आपका क्या हुआ डी। यानी कि फर्स्ट जो आपका ऑप्शन था, फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर ए आपका आया है 3 और डी आपका क्या निकल के बाहर आया है -2, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है आपका पार्ट के अंदर, ए इज इक्वल टू आपका माइनस का 5 है, ये क्लियर है। नेक्स्ट चेक कीजिए, यहां पर आप A2 और A3 ले लीजिए, A3 में से A2 निकालिए, आपका डी आ जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी। चेक कीजिए A3 आपका क्या है, यहां पर 3 है, A क्या है ये 3 है माइनस A2 आपका क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1, चेक कीजिए 3 एज इट इज आ गया, माइनस और माइनस आपका क्या हुआ प्लस हो गया, यानी कि जब बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो आपका क्या हो गया वो प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद ये आपके पास आंसर आया है 4, यानी कि डी बराबर आपका आंसर 4। सेकेंड जो पार्ट है वो भी आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, थर्ड पे आपको पता है ए आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1/3, सिंपल था। नेक्स्ट हम चलते हैं डी पे, डी पे आप कोई भी ले लीजिए, A2 और A1 ले लीजिए, आपको पता है डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करके देखिए भाई, A2 आपके पास है 5/3 माइनस A1 आपके पास है 1/3, ठीक है, चेक कीजिए 5/3 में से 1/3 है वो माइनस करोगे आप तो क्या आएगा एलसीएम, तो आपका आ गया 3, 5 का 5 माइनस 1 यानी कि 4/3,
फोर बाय थ्री जो है वो आपका क्या आया, डी आया, डी यहां पर आपका क्या आया, फोर बाय थ्री। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ए की वैल्यू आपको पता है, ए इज इक्वल टू 0.6 आ गया। नेक्स्ट अब हम डी की बात करेंगे, तो हम ए फोर और ए थ्री को हम ले लेते हैं। मैंने यहां पर कभी ए फोर ए थ्री लिया है, कभी ए वन ए टू लिया है, कभी ए थ्री ए टू लिया है। क्यों लिया है, आपको समझाने के लिए कि यहां पर आप डी की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हो अगर ये सीरीज एपी में है तो। और ये सीरीज एपी में है क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो है वो एपी के अंदर है, इसलिए यहां पर आप ए और डी बताइए। डायरेक्ट सी बात है, यहां पर हम ए फोर और ए थ्री का यूज करेंगे। आपको पता है ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू डी। चेक करते हैं भाई, ए फोर आपका कितना है 3.9, माइनस ए थ्री आपका कितना है 2.8, माइनस करके देखिए 1.1 आ गया। डी इज इक्वल टू क्या था 1.1। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको कुछ सीरीज दी होंगी यहां पर और उनमें से पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी एपी है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। फिर ये कहता है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस चेक करो और कॉमन डिफरेंस डी हमें बताओ और उसकी आगे तीन टर्म और लिखो। तीन टर्म आपको और लिखनी है। सबसे पहला दिया हुआ है आपको 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले आपको चेक करनी है कि क्या ये एपी है। सबसे पहले चेक कीजिए डी क्या आ रहा है यहां पर, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इधर डी क्या आ रहा है, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इधर डी क्या आ रहा है, 16 माइनस 8 इज 8। क्या यहां पर D1, D2, D3 जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो आप इसका कॉमन डिफरेंस एग्जैक्ट नहीं बता सकते और आगे तीन टर्म है वो नहीं लिख सकते। ये आपकी किस फॉर्म के अंदर है, ये आपकी जीपी की फॉर्म के अंदर है, जो एक एपी का एडवांस चैप्टर है, एडवांस एक टाइप है जीपी का, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो एपी के अंदर है या नहीं। सबसे पहले एपी के अंदर चेक करने के लिए आप डी निकालिए, 5/2 - 2, यानी कि 5/2 - 2। 2 को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर 4/2 भी लिख सकते हो ताकि बेस समान हो जाए, एलसीएम लेना ना पड़े। तो यहां पर 5 - 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो डी है वो क्या है आपका 1/2। इसी तरह और चेक करके देख लीजिए, इधर चेक करके देख लीजिए, 7/2 - 3। 3 को हम लिख सकते हैं 6/2। चेक कीजिए 2 है, 7 में से 6 गया 1, 1/2, यानी कि ये भी आपका 1/2 आ रहा है। आपने दो जगह पे चेक कर लिया, हाफ आ रहा है डी, यानी कि ये जो सीरीज है वो आपकी एपी के अंदर है। अब क्या लिखना है, इसकी 3 मोर टर्म लिखनी है। आपको पता है आपके पास A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। अब आपको चाहिए A5 चाहिए। अगर आपके पास A4 है उसके अंदर आप डी ऐड कर दीजिए, एक तो तरीका ये है। अगर आपके पास A और D है तो A+3D है वो आपका A4 के बराबर होगा, A+4×D है वो आपका A5 के बराबर होगा, A+5D है वो आपका A6 के बराबर होगा। ये क्यों होगा, इसका एक फॉर्मूला है, आइए कंसेप्ट समझते हैं। वैसे तो ये आपके 5.2 के अंदर आने वाला है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं, एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, An इज इक्वल टू A+N-1×D। An क्या है, ये है nth टर्म। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, ये लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। ए किसको डिनोट करता है, एपी को। एन किसको डिनोट करता है, nth टर्म को, यानी कि ये इसके
लेग में लगी है, तो यानी कि ये ए एन है। जैसे कि हम लिखते हैं ए वन, ए वन लिखते हैं, तो यहां पर एन क्या है, वन है, यानी कि उस टर्म, उस एपी की वो पहली टर्म है। अगर हम यहां पर लिखे ए फाइव, तो यानी कि एन का मतलब है फाइव, ये पांचवी टर्म है। एपी के अंदर कितनी भी टर्म हो सकती है, ये फिफ्थ टर्म है। तो सिंपल सी बात है, एन का मतलब आपको कितनी टर्म निकालनी है। अगर आपको यहां पर चार टर्म दे रखी है, पांचवी निकालनी है, तो आपको ए फाइव निकालना है। इज इक्वल टू ए, मैंने आपको बताया था पहली टर्म, ए आपको बताया था पहली टर्म, प्लस एन कितना है आपके पता है, पांचवी टर्म है, तो फाइव माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर आपके पास क्या आया, ए प्लस फाइव में से बन गया फोर इंटू डी इज इक्वल टू ए फाइव। तो ये फॉर्मूला था स्टूडेंट, ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी। अगर आपको ए और डी दिया हुआ है, आपको कोई भी टर्म पूछी हुई है उस एपी की, तो आप वो इस फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हो। अगर आपको सीरीज दी हुई है, आपको ए फाइव पूछा है, तो डायरेक्ट ए फोर के अंदर आप डी ऐड कर दीजिए, ए फाइव आ जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है और ये आपका फॉर्मूला है जो आपके 5.2 के अंदर यूज होने वाला है। तो आइए चेक करते हैं, ए फाइव निकालते हैं। ए फोर आपको दिया हुआ है 7/2 प्लस डी आपको दिया हुआ है, जो आपने निकाला है हाफ 1/2। चेक कीजिए, 2 आ गया, बेस 7 और 1 8, 8/2 4। डायरेक्ट ऐड क्यों किया है हमने, क्योंकि 2 बेस 2 बेस, यानी कि अगर कोई दो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आपको दी हुई हो, अगर उनका जो आधार है, बेस है, हर है, वो बराबर हो, तो आप डायरेक्ट इस साइन को यूज करके इसके साथ, अगर प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस है तो इसमें से ये घटा दीजिए, यानी कि डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहां पर ये आपके पास ए फोर था, ए फाइव क्या आया आपके पास, 4 आया ए फाइव। अब आपको निकालना है ए सिक्स। अब ए फाइव आपके पास है, ए सिक्स आप निकाल सकते हो, ए फाइव प्लस डी, चेक कीजिए ए सिक्स आ जाएगा। ए फाइव आपके पास था 4 प्लस डी क्या है आपके पास, 2 1/2। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, 1 को 2 से आप क्या करोगे, भाग करोगे, 2 आएगा, ठीक है, और फिर जो आया उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, 2 चौके 8। अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज 9/2, तो ये आपका क्या आया 9/2, ठीक है। अब आपको ए सेवन निकालना है। अब 9/2 में से आप क्या कर दीजिए, हाफ ऐड कर दीजिए, 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10/2 इज इक्वल टू आपका 5 आया, यानी कि ए सेवन आपका 5 आ गया। इसी तरह आपको थर्ड पार्ट के अंदर भी दिया हुआ है, चेक कीजिए कि क्या ये एपी के अंदर है। अब थोड़ा सा स्पीड में फास्ट करूंगा यहां पर, देखिए डी निकालना है आपको, क्या दिया हुआ है, डी निकालना है आपको, ए वन दिया हुआ है और ए टू दिया हुआ है, -3.2 में से अगर आप माइनस का 1.2 माइनस करोगे, देखिए माइनस के 3.2 में अगर आप माइनस का 1.2 लेस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3.2 एज इट इज, माइनस और माइनस यहां पर क्या हो जाएंगे, प्लस फिर 1.2। अब चेक कीजिए भाई, माइनस का बड़ा है इसलिए निशान माइनस का आएगा, 3.2 में से 1.2 है वो कट हो जाएगा, 2.0, या यूं कह सकते हो माइनस का 2। आपके पास डी यहां पर क्या आया, माइनस का 2। अब एक और चेक कर लीजिए आप, यहां से यहां तक एक डी और चेक कर लीजिए, माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, क्लियर है, चेक करके देखिए, ये माइनस का 7.2 एज इट इज, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, 5.2 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों में से माइनस का निशान वाली जो संख्या है वो बड़ी है, तो यहां पर माइनस आएगा। अब 7.2 में से 5.2 है वो लेस कर दीजिए,
यानी कि ये भी आपका माइनस का 2 आया। सबसे बड़ी बात अपने को यहां पर पता लगी कि ये जो सीरीज है वो आपकी एपी के अंदर है। अब अगर ये सीरीज आपकी एपी के अंदर है तो आपको तीन टर्म आगे लिखनी है। देखिए भाई कैसे क्या लिखोगे, आपके पास A4 दे रखी है, आपको A5 लिखनी है। तो इसी तरह ये जो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या है, यहां पर गौर कीजिए, -1.2 3 है, 5 है, 7 है, तो माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2। इस तरह से ये सीरीज है वो आपकी चलती रहेगी। यहां पर मैंने शॉर्टकट यूज किया है, लेकिन स्टूडेंट आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, थोड़ा सा लेंथी बना के लिखना है क्वेश्चन को, ताकि मार्क्स है वो ज्यादा मिलते रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हम गौर करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है -10, -6, -2 और 2, यानी कि हमें A1, A2, A3 और A4 दे रखा है। पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए, -6 -10। मैंने आपको बताया था कि A1 A2 है, तो A2 माइनस A1, ये आपका क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। चेक कीजिए माइनस का 6 एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस का 10, यहां पर गलती नहीं करनी है आपको, माइनस माइनस ये हो जाएगा। अब चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 10 है, माइनस का 6 है, छोटा है, निशान आएगा प्लस का, क्योंकि जो बड़ा है उसी का ही निशान आता है। उसके बाद में 10 में से 6 गए आपके 4, यानी कि प्लस का 4 आया। एक बार और चेक कर लीजिए भाई, यहां पर ये चेक कर लेते हैं आपका ये A4 माइनस A3, ये चेक कर लेते हैं D क्या आएगा। फिर A4 माइनस A3 चेक करके देखिए D निकल जाएगा। चेक करते हैं फिर D को, अपन सिमिलैरिटी देखते हैं कि अगर सिमिलर है तो कॉमन डिफरेंस है, सेम है। देखिए A4 आपका दे रखा है 2 माइनस, A3 आपका दे रखा है माइनस का 2, टू एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस, 2 और 2 आपका 4, यानी कि यहां पर कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम आ रहा है, ये एपी में है। अब आपको क्या करना है, तीन टर्म लेनी है A5। A5 इज इक्वल टू क्या होता है, A4 प्लस D, और A4 आपका क्या है, 2 दे रखा है। D आपके पास क्या आया, D आपके पास हर बार क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 और 4 6, यानी कि A5 आपके पास 6 आ गई। अब आपको A6 चेक करनी है, A6 फिर क्या होगी, A5 प्लस D। A5 आपके पास 6 आई थी, D आपके पास 4 है, A5 आपकी क्या, A6 आपकी क्या होगी, 10। इसी तरह आपको A7 निकालनी है, A7 आपकी क्या होगी, A6 प्लस D इज इक्वल टू A7। A6 आपके पास 10 है, D आपके पास 4 है, तो ये क्या होगी, 10 और 4 14, यानी कि आपके पास ये तीन टर्म आपने लिख ली है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमें दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, यानी कि ये आपको दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, एपी की चार टर्म अपने को दी हुई है। सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये जो टर्म है, सीरीज है, वो एपी के अंदर है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा D, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। निकालिए भाई, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, क्योंकि ये A2 था, ये A1 है, ये A2 था और ये है आपका A1, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, 3 रूट 2 माइनस 3। अगर हम यहां पर 3 कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि यहां पर 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1, इधर 3 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से चेक कीजिए, 3 हम कॉमन निकालते हैं, 3 प्लस रूट 2 है, माइनस रूट 3 है, या एक काम कीजिए,
इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से 3 काट दीजिए, डायरेक्ट काट सकते हो, क्या आया आपका रूट टू आया। ठीक है, एक तो डी आपको डी वन यहां पर मिल गया। सेकंड डी वन चेक करते हैं, डी टू चेक करते हैं, ए थ्री माइनस ए टू करो, डी टू निकालो, ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री आपके पास क्या है, 3 प्लस टू रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू इज इक्वल टू, चेक कीजिए 3 से 3 है वो कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये क्या था, ब्रैकेट के अंदर था, ये माइनस था, अब ये भी 2 रूट टू माइनस रूट टू, फिर क्या आएगा ये रूट टू। क्लियर है। इसी तरह एक डी थ्री और चेक करते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर माइनस ए थ्री, चेक कीजिए, ए फोर दिया हुआ है आपको 3 प्लस 3 रूट टू माइनस ए थ्री आपको दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट टू, करके देखिए भी माइनस 3 प्लस 3 रूट टू। ठीक है, माइनस का निशान है, अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 3, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा 2 रूट टू। अब चेक करिए भाई, 3 प्लस का है, 3 माइनस का कैंसिल हो गया, 3 रूट टू में से 2 रूट टू माइनस करोगे आप तो क्या आएगा रूट टू। यानी कि हर केस के अंदर डी आपका क्या आ रहा है, रूट टू आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका रूट टू आ रहा है, मतलब कि ये सीरीज है वो आपकी एपी के अंदर है। तो अब हमें ए फाइव चाहिए, ए फाइव चाहिए, आप ए फोर प्लस रूट टू पुट करोगे तो यहां पर क्या आएगा 3 प्लस 4 रूट टू, इसी तरह 3 प्लस 5 रूट टू, इसी तरह 3 प्लस 6 रूट टू। क्लियर है, ए फाइव आ जाएगा, ए सिक्स आ जाएगा, ए सेवन आ जाएगा। करोगे कैसे, जैसे कि आपको ए फाइव चाहिए तो ए फाइव का मतलब ए फोर प्लस डी, ए फोर आपको दे रखा था 3 प्लस 3 रूट टू प्लस, अगर आप रूट टू एड करोगे तो रूट टू और एक 3 रूट टू है तो ये 4 रूट टू हो जाएंगे, 3 प्लस 4 रूट टू, इसी तरह से ये 3 प्लस 5 रूट टू, वो 3 प्लस 6 रूट टू। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है पांचवा, ए वन दिया हुआ है 0.2, ए टू दिया हुआ है 0.22, ए थ्री दिया हुआ है 0.222 और ए फोर दिया हुआ है 0.222 और 2। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो चेक करने के लिए आप ए टू माइनस ए वन कीजिए, 0.22 में से 0.2 माइनस करूंगा, इधर आप जीरो लगा सकते हो, तो ये क्या आया 0.02, यानी कि यहां का डी आया 0.02। अब यहां पर चेक करके देखिए, 0.222 में से अगर आप 0.22 और 0 माइनस करते हो तो 2, 0, 0 और 0, डी आपके पास क्या आया 0.002। क्या आपका डी वन डी टू के बराबर है, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, नहीं है, यहां पर 0.02 है और यहां पर 0.002 है, तो ये आपकी एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0, -4, -8 और -12, यानी कि ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और ए फोर दिया हुआ है। अब आपको पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, चेक करने के लिए ए टू माइनस ए वन कीजिए, तो ये माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि किसी में से आप 0 माइनस करते हो या 0 ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से एक चीज और चेक कर लीजिए, आप यहां पर ए फोर माइनस ए थ्री का डी निकाल के देख लीजिए, तो माइनस का 12 है, इसमें से आपको माइनस का 8 पता करना है, तो यहां पर माइनस का 12, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 8, फिर बड़ी संख्या 12 है,
छोटी संख्या 8 है, इतना तो कंफर्म है माइनस होगा, फिर इतना भी कंफर्म है कि वो डिफरेंस होगा, तो यानी कि माइनस का 4। तो d इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस का 4। दोनों कंडीशन में आपका जो d है वो सेम आ रहा है, तो ये एपी के अंदर है। अब बारी है इसकी नेक्स्ट टर्म लिखने की। तो नेक्स्ट टर्म है आपके पास a5 क्या होगी, सिंपल सी बात है a4 प्लस डी। a4 आपके पास क्या था, माइनस का 12 प्लस डी क्या है, क्या है डी, माइनस का 4। माइनस का 4, देखिए आप माइनस का 12 माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस माइनस जब ओपन होंगे तो माइनस का निशान आएगा, यहां पर माइनस के 16। तो a5 आपके पास क्या आया, माइनस का 16। इसी तरह से आप a6 निकालोगे, a6 क्या होगा आपका, a5 प्लस डी। a5 आपके पास माइनस का 16 है प्लस, फिर माइनस का 4 आप d की फॉर्म के अंदर ऐड करोगे, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस 4 है, तो माइनस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 आएगा, किसका, माइनस का। तो इधर माइनस का 20, और फिर इसी तरह से a7 आप निकाल सकते हो खुद, माइनस का 24। तो ये आपकी सीरीज है वो बन जाएगी, आगे अगर इस एपी को चलना होगा तो वो कंटिन्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि यहां पर a1 से लेकर के a4 तक सारी की सारी टर्म क्या है, सेम है। यहां पर डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 0, यानी कि -1/2 में से अगर आप माइनस का 1/2 माइनस करोगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस के हाफ में से माइनस का हाफ माइनस करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका a5 भी क्या रहेगा, 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ये आपका a5 हो गया, ये आपका a6 हो गया, ये आपका a7 हो गया। एपी है लेकिन कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a1 से लेकर के an तक सारी की सारी जो टर्म है वो हमारी इक्वल रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, क्या ये एपी के अंदर है। सबसे पहले चेक कीजिए, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 9 और 3 का डिफरेंस 6, यहां पर d 2 आ रहा है, इधर d 6 आ रहा है, तो यानी कि यहां पर कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो मतलब ये एपी के अंदर नहीं है। हाँ ये जीपी के अंदर जरूर है, क्योंकि 3 की पावर इधर 0 है, इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 3 है, आगे 3 की पावर 4 आ जाएगी, इसी तरह से 3 की पावर है वो n तक ये जो जीपी है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट है आपका a है, 2a है, 3a है और 4a है, यानी कि आपको a1 भी दिया हुआ है, a2, a3 और a4 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो एपी के अंदर है या नहीं है। नॉर्मल सी बात है, तरीका वही रहेगा, a2 माइनस a1 चेक कीजिए। a2 आपका 2a है, माइनस a1 है वो आपका a है, क्या आया, a आया, चेक हो गया। दोबारा चेक करिए चौथी टर्म और तीसरी टर्म के बीच के अंदर, 4a माइनस 3a, तो 4a माइनस 3a इज इक्वल टू क्या हुआ, a आया, यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर d है वो आपका क्या आ रहा है, a आ रहा है, यानी कि ये ap है। अब नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए a5th, a6th और a7th, क्या करोगे दोस्तों। देखिए a5 है आपको पता है, a4 प्लस a, a4 आपके पास 4a है, 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a, इसी तरह ये 5a हो जाएगी प्लस a, तो ये 6a हो जाएगा, ये आपका 6a प्लस a आपका क्या हो जाएगा, 7a, यानी कि ये आपकी 5a हो जाएगी, ये आपकी 6a हो जाएगी और ये आपकी 7a हो जाएगी। इस तरह से ये AP है वो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, a1 है, a2 a² है, a3 a³ है और a4 है वो a की पावर 4 है। आपको चेक करना है कि ये AP के अंदर है या नहीं है। देखिए भाई a2 में से a1 d निकालिए, a2 आपका a² है, यहां पर a है, a की पावर यहां पर क्या है, 1 है,
यहां पर क्या है, ए की पावर 1 है और यहां पर ए स्क्वेयर माइनस ए 1, ये आपका डी आ गया। इसी तरह इसका जो डी है वो ए की पावर 4 माइनस ए की पावर क्यूब। तो ये जो है वो क्या चेक करोगे, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा अगर आप इसको सोल्व करते हो, तो ए की 3 अगर कॉमन निकालते हो तो ए माइनस यहां पर 1 आएगा, ए की क्यूब ब्रैकेट शुरू ए माइनस 1, ये आपका क्या आया, डी आएगा। यहां पर अगर आप ए कॉमन निकालते हो तो ए माइनस 1, ये डी आया। क्या ये डी जो कि इन दो टर्मों से निकला है या ये डी जो लास्ट वाली दो टर्म से निकला है, क्या ये दोनों डी बराबर है, ये डी बराबर नहीं है, ये आपका एपी नहीं है, ये जो सीरीज है वो आपके किसके अंदर है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, यानी कि वो जीपी के अंदर है। और जीपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है, पावर इंक्रीमेंट होती है, यानी कि अगर जीपी के बारे में पूछता हमें तो ये पावर लगातार है वो इंक्रीज होती रहती, और ये जो जीपी है वो आपकी लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए है वो रूट 2 है, ए 2 रूट 8 है, ए 3 रूट 18 है और ए 4 है वो रूट 32 है। अब क्या आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो सीरीज है वो एपी के अंदर है, नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको सिंपल वे के अंदर सोल्व करना होगा। शॉर्ट आउट करके देखिए, रूट 2 को हम सिंपल वे में रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये आपका A1, A2, A3 और A4 आ गया। अब चेक कीजिए कि ये एपी के अंदर है या नहीं। देखिए भाई, A2 माइनस A1 करके D निकालते हैं, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो आपका 1 रूट 2 बच जाएगा, यानी कि D के बराबर आपकी पहली वैल्यू आ गई। लास्ट में एक बार चेक करके देखिए, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 निकाल के देखिए, फिर आपके पास 1 रूट 2 बच जाएगा, वो जो कि डी की वैल्यू है। यानी कि इस कंसेप्ट से हमारे पास डी की वैल्यू दोनों जगह पे क्या आई, रूट 2 आई। यानी कि इस बात से ये साबित होता है कि ये जो सीरीज आपकी है वो एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखिए भाई रूट 2 ही ऐड करना है। सिंपल वे में बताऊंगा, 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2, ये बन की। अब ये तो यहां पर तो आप लिख सकते हो, लेकिन हमें तो इस फॉर्म के अंदर चाहिए, तो कर लीजिए, 5 को 5 से करोगे 25, 25 गुणा 50 यानी कि रूट 50। इधर भी 6 को 6 से गुणा करोगे 36, 36 गुणा 72 रूट 72। इसी तरह 7 जा 49, 49 को 2 से करोगे रूट 98। ये एपी है वो इस तरह से चलती रहेगी। हमें A5, A6 और A7 की वैल्यू निकालनी थी, जो कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12 है, क्या ये एपी के अंदर है। उससे पहले अपने को ये सोल्व करना पड़ेगा। रूट 3 को फर्दर इतना ही सोल्व कर सकते हैं, रूट 6 को भी इतना ही सोल्व कर सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं, रूट 12 को क्या कर सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब चेक कीजिए भाई, रूट 6 में से रूट 3 माइनस कीजिए, क्या आएगा, इधर देखिए रूट 3 कॉमन ले सकते हो आप, इधर से रूट 3 कॉमन लिया यहां पर, तो रूट 2 माइनस 1, क्लियर है, ये आपका डी निकल के आ गया, ठीक है जी। अब इसमें से चेक करके देखिए, 2 रूट 3 माइनस 3, क्लियर है। अब चेक करके देखिए, यहां पर अगर आप रूट 3 कॉमन लोगे तो इधर बचेगा 2 माइनस इधर बचेगा रूट 3। क्या ये डी और ये डी दोनों बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका एपी नहीं है,
ये जो सीरीज है वो आपकी एपी नहीं है. यू कैन राइट सिंपली दिस सीरीज इज नॉट एन इन द फॉर्म ऑफ एपी. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए वन है ए स्क्वेयर, ए टू है थ्री की स्क्वेयर, ए थ्री है फाइव की स्क्वेयर और ए फोर है सेवन की स्क्वेयर. ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंपल वे के अंदर लिखते हैं. ए स्क्वेयर यानी कि वन का स्क्वेयर वन, थ्री का स्क्वेयर नाइन, फाइव का स्क्वेयर 25, सेवन का स्क्वेयर 49. ये आपके एक सिंपल वे के अंदर एपी आ गई. अब डिफरेंस चेक करिए जी, यहां पर डिफरेंस है 8 आ रहा है, यहां पर डिफरेंस कितना रहा है 25 में से 16 आप माइनस करके देखिए 16 आएगा. इधर डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 24 आ रहा है. तो क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है, कोई भी डिफरेंस आपका सेम नहीं है. तो दिस इज नॉट एन एपी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, और हमारी इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है. वन का स्क्वेयर ये दे रखा है ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर. देखिए भाई, वन का स्क्वेयर वन, फाइव का स्क्वेयर 25, सेवन का स्क्वेयर 49, इसी तरह 73 दे रखा है. अब इसको हमने सिंपल वे के अंदर कर लिया. अब चेक कीजिए कि क्या डी बराबर है 25 में से गया 24, 49 में से 25 गया फिर 24, 73 में से 49 गया फिर 24. यानी कि यहां पर जो आपका डी है वो इक्वल आ रहा है. इसका मतलब कि ये एक एपी है. अगर ये एपी है, आपके पास डी इज इक्वल टू 24 है, आप सिंपली ही A5 निकाल सकते हो. A5 इज इक्वल टू क्या होगा? A4 प्लस डी. A4 आपके पास क्या है 73 प्लस डी आपके पास क्या है 24. 4 और 3 7, 7 और 2 9. यानी कि A5 आपके पास आ गया 97. अब आपके पास A6 चाहिए, तो A6 क्या होगा? A5 प्लस डी. A5 आपके पास 97 है प्लस डी आपके पास क्या है फिर से 24, 24. 7 और 4 11, हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, 121. ये आपका A6 आ गया. आपको A7 चाहिए, तो A7 के अंदर फिर 121 के अंदर 24 आप ऐड कर दो. ये आपका क्या आया 145. फर्दर भी ये भी चल सकती है. तो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेस. जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके अंदर हमने ये कवर कर लिया है. तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं. इससे रिलेटेड भी अगर आपके पास अदर बुक्स वाले कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें लिख कर भेजें, उसका भी वीडियो मैं आपके लिए जारी करूंगा. थैंक यू स्टूडेंट. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.